नमस्कार डीडी राजस्थान की ओर से आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन जब कभी हम हमारे देश के बारे में सोचते हैं बात करते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें गर्व की अनुभूति करवाती हैं हमारी हजारों वर्षों की सभ्यता और संस्कृति हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारा संविधान हमारी भाषा और संस्कृति में एकता का भाव लिए हमारा सामाजिक सद्भावना का इन सभी के के साथ हम भारत के जीवन की कल्पना करते हैं और तरक्की की चाह रखते हैं लेकिन इन तरक्की की चाह में बहुत बड़ा योगदान होता है हमारी सरकार और हमारे नीति निर्धारकों का साल दो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण साल था आज से आठ साल पहले मई के अंतिम सप्ताह में ही केंद्र में बहुत लंबे समय के बाद पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनी और इसी के साथ विकास और सुशासन का एक ऐसा दौर भारत में आया कि आज भारत का हर व्यक्ति नए संकल्प नई आशा और नए विश्वास के साथ तरक्की की राह पर चल रहा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ मौजूदा केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है साल 2014 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के कार्यकाल को आठ साल पूरे हुए हैं 2014 में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद पीएम मोदी ने साल 2019 में एक बार फिर दमदार जीत हासिल की और दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की के ओर से कई ऐसी योजनाएं शुरू की गई जिससे देश की बड़ी आबादी को सीधे सीधे फायदा पहुंचा इन योजनाओं में व्यापार के लिए लोन देने से लेकर इंश्योरेंस रसोई गैस से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं, जहां मुद्रा योजना से लोगों को कम ब्याज पर रोजगार मिल रहा है वहीं महिलाओं को उज्ज्वला योजना के जरिए सिलेंडर मिल रहे हैं आज इन्हीं सारी बातों पर चर्चा करने के लिए इस विशेष कार्यक्रम में हम एक साथ हैं मैं हूं गौरव शर्मा स्वागत है आपका हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान के तौर पर उपस्थित हैं श्री मुकेश दादीज श्री मुकेश दादीज छात्र जीवन से ही राजनीति और सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और इस समय पार्टी के उपाध्यक्ष पद की शोभा बढ़ रहे हैं मुकेश जी बहुत बहुत स्वागत डीडी राजस्थान की ओर से आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हमने बात की कि केंद्र सरकार ने केंद्र के एनडीए सरकार ने अपने आठ सफल वर्ष पूरे कर लिए हैं आप इन आठ वर्षों के इस सफर के बारे में सबसे पहले शुरुआत में क्या कहना चाहेंगे कैसे रहे ये आठ साल क्योंकि हमारे सामने ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं बहुत सारे ऐसे कदम हैं जिनके बारे में हम चर्चा आगे आने वाले कार्यक्रम में करेंगे बिल्कुल एक सारभूत शब्दों में कहें तो आप इन आठ सालों के सफर को किस तरह से देखते हैं मुकेश जी सर्वप्रथम तो मैं डी डी न्यूज़ के सभी चैनल के दर्शकों को धन्यवाद करना चाहूंगा और आभार व्यक्त करना चाहूंगा उनका जो आज इस कार्यक्रम के समय हम सबको देख रहे हैं और जनता का विशेष तौर पे मैं आभार व्यक्त करना चाहूँ जिन्होंने आज आठ वर्ष के शासन में भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सहयोग किया और इस मुकाम पर हम सब लोगों को पहुंचाया मेरा मानना है कि गरीब कल्याण के नाते से अगर आठ साल के इस शासन को हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण काम मोदी जी ने क्योंकि देश में वर्षों से नारे लगते रहे गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ लेकिन गरीबी हट गया मोदी जी ने आने के बाद से जो संकल्पना दी और जो काम किया उसमें निश्चित रूप से वो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एक सोच था कि अंत्योदय तक यानी अंतिम व्यक्ति तक शासन को पहुंचाना कहीं ना कहीं अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे ये अंत्योदय ये ना ये, ये, ये मोदी जी ने एक प्रकार से वहां दिल्ली से नीचे तक सुदूर तक इस काम को पहुंचाने में बेखूबी से काम किया और यही एक उनकी सफलता होता है आज पूरा देश का जो आम आवाम है वो मोदी जी के साथ खड़ा हुआ दिखता है ये मैं समझता हूँ कि ये सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है जी यानी कि कहीं ना कहीं इसके पीछे आम जनता का सहयोग आम जनता का जो विश्वास है वो सबसे बड़ी बात है मोदी सरकार की जब हम बात करते हैं केंद्र सरकार की जब हम बात करते हैं तो चार शब्द एक यूं कहें कि ये चार शब्द जो हैं वो एक तरीके से थीम हो गए हैं सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास सबका प्रयास ये जो चार संकल्प हैं इन चार संकल्पों के बारे में क्या कहना चाहेंगे किस तरह से ये सफलता की ओर आगे बढ़े देखिए शुरू से ही प्रधानमंत्री जी का ये मानना है कि मैं 135 करोड़ जो हिंदुस्तानी है उनके लिए सारा काम करना और उसी के मुताबिक सबका साथ और ये विकास के एजेंडे पे देश पे काम होना ये एक प्रकार से 60 साल में जिस प्रकार के मोदी जी के शासन काल में काम चालू हुआ और शुरू से ही यानी मैं उस घटना को आज याद करते हैं जब 26 मई को उन्होंने शपथ ली और संसद में घुसे और संसद की सीढ़ियों पे जिस प्रकार से उन्होंने नमन करके नमन अंदर गए वो एक ऐतिहासिक पल है देश की राजनीति के लिए समझने वाले के लिए कि उन्होंने उसको एक प्रकार से पवित्र मंदिर मान करके काम चालू किया कि मैं इस मंदिर में पहली बार जा रहा हूं और इसमें देश की लाख मतलब करोड़ों जनता का भविष्य इसके आधार पर निर्धारित होता है और वहां से मैं उन लोगों के लिए काम कर पाऊं जिनके लिए आज तक नहीं हो और मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में एक ऐतिहासिक काम और ऐसे संवेदनाओं के जो विषय हैं वो बार बार मोदी जी ने आठ साल में इस प्रकार से उसको ऐसे हो सकता है किसी को भी लगे कि ये पॉलिटिकल ड्रामा है लेकिन उन्होंने कभी वो जो काम करते हैं वो दिल से करते हैं और दिल से करने के कारण ही आज इतना बड़ा जो एक प्रकार से पूरे देश में व्यापक चेंज आया है उस चेंज की कल्पना मात्र से अपन इस बात को कह सकते हैं कि निश्चित रूप से किसी ने किसी स्तर पर प्रधानमंत्री जी ने वो चीजें करके दिखाई है और मैं समझता हूँ कि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है मैं सौभाग्य से मुझे चार से पांच बार इस पूरे कालखंड में उनसे मिलना हुआ है प्रधानमंत्री जी का कॉन्फिडेंस लेवल का इतना है कि उनको हर चीज की बारीकी इसका रिजल्ट क्या होगा और कितने समय बाद होगा उतना तक एक पूरी तैयारी के साथ वो काम को करते हैं और उसमें पूरी ताकत लगा करके जो काम करते हैं वो हम आप और हमसे किसी से छुपा नहीं और ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम में चाहे कोरोना का कालखंड हो जब पूरा विश्व एक प्रकार से कोरोना को लेकर के आक्रंतित था कैसे होगा कैसे नहीं होगा उस सब में से फेज में से हम जब हम चर्चा करेंगे तो निकल के बातें आएंगी उससे भारत को बाहर निकालना ये अपने आप में हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि और आज देश खुशहाली में है तो उसमें मैं समझता हूं कि ये एक उनका जो विल पावर है उनका जो सोच है उनका जो काम करने का तरीका है उनको नीचे तक डिलीवरी करने का जो उनका सिस्टम है ये अपने आप में एक पूर्व के सब प्रधानमंत्रियों के नाते से उन्होंने जितनी भी चीजें उन्होंने सोची उसको इंप्लीमेंट करने का काम आदरणीय मोदी जी जी ने किया हम आपको आज जी जब हमारे सामने मौका है कि हम केंद्र सरकार के आठ वर्ष पूरा होने के अवसर पर हम ये चर्चा कर रहे हैं एक बार मुकेश जी आपको थोड़ा सा हम फ्लैश में हम दोनों चलना चाहेंगे आ, क्योंकि भविष्य को समझने के लिए वर्तमान को समझने के लिए और भविष्य को समझने के लिए हमें इतिहास और हमारी ऐतिहासिक घटनाओं को भी समझना जरूरी होता है जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने पदभार संभाला था 2014 में एक ऐतिहासिक विजय हुई थी उस ऐतिहासिक विजय में एक सबसे बड़ी बात थी कि एक बहुत लंबे के समय के बाद में क्योंकि भारत की जनता कहीं ना कहीं एक स्पष्ट बहुमत जो शब्द है वो भारतीय राजनीति से थोड़ा सा विलोपित हो रहा था उस समय की क्या परिस्थितियों के बारे में बताना चाहेंगे कौन सी ऐसी परिस्थितियां जिनसे हमारा देश दे गुजर रहा था और हम राजनीतिक निर्णय क्षमता को लेकर के थोड़ा असर पड़ रहा था देखिए मैं अगर उन उस फ्लैशबैक में हम जाएं तो निश्चित रूप से वो एक ऐसा घटनाक्रम है और अगर उसको दूसरे ढंग से मैं कहूं तो एक प्रकार से राम मंदिर आंदोलन के बाद जो घटनाक्रम देश में घटे और उसके कारण से चूंकि आज वो सब स्थितियां बदल चुकी हैं लेकिन वो घटनाक्रम ऐसे हो विचलित सा हो गया था और उसमें से अलग अलग क्षेत्रीय दल उभरे और उस क्षेत्रीय दल उभरने के कारण से कहीं न कहीं गठबंधनों की जो सरकार रही अब जब गठबंधनों की सरकार रही तो उसमें से जिसका जो हित था उसमें दलों का हित प्राथमिकता हो गई जनता का हित दूर हो गया अच्छा। और वो उसके कारण से जब जनता का हित दूर हो गया तो धीरे धीरे जनता में एक जन आक्रोश जैसा माहौल बना जी। और रोज सुबह अखबार पढ़ते तो इतने करोड़ का घोटाला इतने करोड़ में ये हो गया इतना ऐसा हो गया वैसा हो गया ये एक आक्रोश धीरे धीरे जिस प्रकार से जन आक्रोश बनता जा रहा था और ये एक लंबा कालखंड हम सब ने देखा है मैं समझता हूँ कि एक नाइनटी से के बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जब देश में आई तो थोड़ा सा एक चेंजेज होने का प्रयास हुआ लेकिन चुकी वो गठबंधन की सरकार थी उसमें भी कुछ मर्यादाएं थी उसके बाद भी उन्होंने जिस ढंग से अटल जी ने उसको चलाने की कोशिश की और उसके बाद तो आप और हम सब ने देखा है 2004 से लेकर के 2014 तक का एक सफर और उसमें मैं उस बातों को जानना बताना नहीं चाहता हमसे हमें, उन सब चीजों का आप और हमने भुगता है जिन्होंने जिस, जिसके रोज और वो सब कारण बने जिस कारण से देश की जनता को लगा कि कोई भी दल आए जिसकी बहुमत के साथ सरकार बने और देश में व्यापक परिवर्तन है और यूथ में जो चेंज था उस समय वो चेंज और वो सारे सीनियरियों ने मैं समझता हूं कि फिर मोदी जी का व्यक्तित्व पिछले साल का उनका गुजरात का कालखंड यह एक जनता के बीच में एक उम्मीद बनी कि एक ऐसा व्यक्ति है जो भारत को नए सिरे से नई ऊंचाइया दे सकता और उसी का विश्वास जनता के बीच में मोदी जी ने जीता और हम प्रचंड बहुमत के साथ 2014 में सरकार बनी और 26 मई 2014 को मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेकर के देश के लिए काम करना शुरू की चलिए तो जब हम फ्लैशबैक की बात कर रहे हैं और हमने एनडीए सरकार की शुरुआत यानी 2014 की बात की तो 2014 की शुरुआत से ही जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण चीज सामने आती है देखिए मुकेश जी राजनीतिक जीवन अपनी जगह है राजनीतिक शुचिता राजनीति से जुड़े हुए फैसले लेकिन इन सब के साथ में कहीं ना कहीं हमारी अपनी भारतीय संस्कृति हमारी अपनी भारतीय मान्यताएं भी अपनी जगह हैं हमारा इशारा प्रधानमंत्री मोदी के उस कदम की ओर है जिसने पूरे विश्व में एक तरीके से देखा जाए तो भारत को एक मान्यता मिलाई और हमारा इशारा है योग की तरफ भारतीय योग को आगे बढ़ाने में और 21 जून की तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने में यह बात मैं इस समय चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2014 हजार की जब हम बात कर रहे हैं मोदी जी के से केंद्र सरकार के आने की शुरुआत की जब हम बात कर रहे हैं तो यह शुरुआती कदम थे जिनसे कि एक बार को हमने आगे बढ़ना शुरू किया था योग को एक अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पर स्थापित करने में इस सरकार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है क्या कहना चाहेंगे निश्चित रूप से जब ये सारा घटनाक्रम चल रहा था आपने ठीक ध्यान कराया तो जब अपने देश के बारे में कोई सोचता नहीं था कि योग को हम इतना स्थापित कर पाएंगे और उसी योग को जब मोदी जी ने देश विश्व के पटल पे सबके सामने रखा और लोगों ने उसको स्वीकार किया तो मुझे ध्यान है कि उस समय जब पहली बार पूरे विश्व में योग का कार्यक्रम हुआ तो एक देशों ने इसमें भाग लिया जी ये एक प्रकार से भारत की कूटनीतिक जीत जिसको हम कह सकते हैं कि लंबे समय से हमारी जो कूटनीतिक कूट जीत के अलावा इसको हम यह कहना चाहिए कि एक सांस्कृतिक प्रभुत्व सा, एक सांस्कृतिक मान्यता मिली आप, आप आपने, इसको जीत हार इसमें हो ही नहीं सकती बिल्कुल ये एक प्रकार से सांस्कृतिक प्रभुत्व हमारा जो स्थापित करने का तरीका प्रधानमंत्री जी का था उससे निश्चित रूप से और आज आप ये देखिए कि गांव-गांव ढाणी ढाणी में जहाँ पर कभी लोग ये मानते नहीं थे कि योग भी कोई एक माध्यम है अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने का वहाँ भी आज छोटे छोटे सेंटर होकर के छोटी छोटी, छोटी चीजें होकर के लोगों ने जिस प्रकार से इस पे फोकस किया है वो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी की उस कल्पना का ही परिणाम है कि जिसके कारण से जो उन्होंने कहा कि स्वस्थ रहेंगे तो कुछ हम जीवन में कर पाएंगे वो सारे परिणाम इस बात को और यही एक प्रकार से हमारे लिए एक अचीवमेंट के रूप में है कि हम योग दिवस को 21 जून को मनाते हैं और बड़े व्यापक स्तर इस पे इसकी तैयारी होकर के अच्छे ढंग से हम करते हैं निश्चित रूप से एक सांस्कृतिक हमारी जो विरासत है उसको सुरक्षित करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया जी और अब एक और महत्वपूर्ण चीज के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण योजना के बारे में हम बात करेंगे जब हम मौजूदा केंद्र सरकार की बात करते हैं तो हम अक्सर कहते हैं कि आम जनता को राहत देने का प्रयास इस सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही और शायद यही कारण है कि आम जनता से सीधा जुड़ा हुआ है इस बात का सबसे बड़ा सबूत इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण अगर कोई है तो एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना इस योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांटे जाने की व्यवस्था की गई मुकेश जी इसकी बात हम विशेष रूप से इसलिए कर रहे हैं कि पिछले दो वर्षों में अगर हम दो हजार की बात करें तो दो हजार में हमारे सिर्फ भारत में भारत में नहीं नहीं बल्कि पूरे देश ने पूरे विश्व ने एक बहुत बड़ी महामारी का सामना किया और उस महामारी का सामना करने का यह हुआ कि आम गरीब के ऊपर सबसे बड़ी मार पड़ी और कहीं ना कहीं एक खाने पीने तक के साधन को लेकर के हम उसके लिए आम जनता को परेशानी हुई और ऐसे में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना एक वरदान के रूप में साबित हुई हम चाहेंगे कि इस संबंध में हम एक क्लिप के माध्यम से इस योजना के बारे में कुछ जानकारी लें जी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जयपुर जिले के बस्सी के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है इस योजना के तहत पाँच किलो प्रति मेंबर के हिसाब से निशुल्क गेहूं लोगों को मिल रहा है निशुल्क गेहूं मिलने से गरीब तबके के लोगों के लिए जीवन यापन करने में ये योजना काफी कारगर साबित हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को माह सितंबर 2022 तक निशुल्क देने का फैसला लिया है लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद ज्ञापित किया है केंद्र सरकार की तरफ से जो योजना चलाई गई है गरीबों के लिए पांच किलो माह राशन के द्वारा जो फ्री में गेहूँ दिए जा रहे हैं राशन दिया जा रहा है वो हम गरीबों के लिए बहुत ही अच्छा एक आने वाले समय के लिए और हम गरीबों के लिए बहुत ही अच्छा फायदेमंद है तो मैं केंद्रीय सरकार को अपने तह दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो हमें पाँच किलो गेहूँ जो फ्री निःशुल्क मिल रहा है वह बहुत ही बढ़िया योजना है और इससे हमारे गाँव वाले लोगों का जीवन बहुत सुधर रहा है लोगों में जो गेहूं के प्रति जो होती थी ना मारामारी वो खत्म होती जा रही है जीवन स्तर बढ़ता जा रहा है और इसके साथ ही बच्चों में कुपोषण होता था, होता था वो भी समस्या खत्म होती जा रही है और जो गेहूं के लिए जो मारामारी होती थी कालाबाजारी होती थी मंडियों में जाना पड़ता चक्कर काटना पड़ते थे और बेरोजगारी झेलनी पड़ती थी वो सारी समस्याएं अब दूर होती जा रही है और इसी योजना के लिए प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ प्रधानमंत्री जी ने जो योजना शुरू कर करके उससे जन को बहुत राहत मिल रही है और बहुत अच्छी सहायता मिल रही है लोगों को भटकना नहीं पड़ता इसके लिए हर हर आदमी को अनाज घर पे मुहैया हो रहा है कोई भूखा नहीं सो सकता है हनुमान की रिपोर्ट दूरदर्शन समाचार जयपुर तो ये बात हुई कि हमने किसान पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में बात हुई केंद्र सरकार की इस योजना के तहत 80 करोड़ राशन कार्ड कार्ड धारकों को हर महीने प्रति सदस्य पांच किलो अनाज गेहूं या चावल दिया जाता है और इसके बाद और पांच किलो ज्यादा राशन की भी सुविधा दी जाती है इस योजना की शुरुआत में अप्रैल से जून 2020 के अवधि के लिए इसे लॉन्च किया गया था लेकिन फिर फिर इसे 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया सरकार ने एक बार फिर से इस योजना को सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है क्या कहना चाहेंगे गरीब कल्याण अन्य योजना जो है वो किस तरह से आम जनता के लिए एक राहत भरी योजना साबित हुई है देखिए गौरव जी मैं ये बताना चाहूंगा कि वो जो घटनाक्रम जिस समय ये गरीब कल्याण योजना चालू हुई जी उस हमको सबको ध्यान में है कि कोरोना की महान विपत्ति हम सबके ऊपर आई हुई थी एक प्रकार से हम बड़ी परेशानी के दौर से गुजर थे और वो तबका जिसको उस समय बाकी चीज़ों के साथ साथ रोजगार का भी एक संकट उसके सामने खड़ा हुआ था और प्रधानमंत्री जी, प्रधान जी चूंकि वो मैंने कहा ना शुरू से कि वो जमीन से जुड़े वो हर बात को बहुत बारीकी से समझते हैं कि कैसे इन सब चीजों से हमको अपार और इसलिए उन्होंने सबसे पहले जो काम किया वो किया कि वन नेशन वन राशन कार्ड जी कि आप देश के किसी भी कोने में अगर आपके पास राशन कार्ड है तो वैलिड है नहीं इसका कारण शायद इसलिए भी था कि इस देश की ये ये परंपरा रही और ये एक स्वाभाविक सी प्रवृत्ति है कि बिहार का व्यक्ति महाराष्ट्र में जाकर राजस्थान का व्यक्ति आसाम में जाकर और पूरे देश के व्यक्ति दिल्ली या बंबई में जाकर के काम करते हैं तो दूसरी जगह पर उनको राशन लेने में किसी तरह की परेशानी ना हो शायद इसके पीछे ये भावना रही होगी तो उसको उन्होंने इस तकलीफ को उन्होंने समझा और उसको उन्होंने तुरंत ये एक इसका ऑर्डर करके कि वन नेशन वन राशन कार्ड और उसका परिणाम है कि अगर आप जैसा आपने कहा कि बिहार का, का आदमी महाराष्ट्र में है तो उसको इस नाते से परेशानी नहीं हुई गेहूं लेने में बाकी चीजें लेने में क्योंकि उसके पास वो राशन कार्ड था अगर वो नहीं होता तो वो सारी चीजें कहीं न कहीं जो हमारा सिस्टम उस सिस्टम का कहीं कहीं उसको दिक्कत परेशानी खड़ी होनी पड़ती और उसके कारण से मैंने देखा प्रत्यक्ष रूप से देश के अन्य राज्यों में मेरा जाने का अवसर मिलता है अभी यूपी चुनाव में भी मैं था तो मैंने इस प्रत्यक्ष रूप से इस अन्योजना को देखा कि कितने लोग उस बात को भूले नहीं हैं कि, कि उनको गरीब को लगता है कि किसी प्रधानमंत्री ने कम से कम हमारे घर परिवार की चिंता की कि भी हमारे परिवार में खाने के प्रति कोई समस्या पैदा नहीं ताकि हम छोटा मोटा और रोजगार करके कुछ अर्निंग करते हैं तो बच्चे हैं बाकी चीजों को हम ठीक से कर पाए तो एक प्रकार से दो साल में मैं कहूंगा कि गरीब के लिए एक इस प्रकार का कदम है जिसके उसको आर्थिक संबल के साथ साथ पारिवारिक संबल मिला कि कम से कम वो उस बात को अपने बच्चों के बीच में ये पीड़ा व्यक्त नहीं करे कि मेरे पास कुछ है नहीं क्या खिलाऊं क्या नहीं खाऊं उस चीज से उसने बाहर निकाल करके एक इस थॉट से वो आगे कुछ सोच सके गरीब मजदूर किसान जो भी उस श्रेणी में आता है व्यक्ति और इस नाते से मैं समझता हूं कि ये योजना अपने आप में एक व्यापक योजना के साथ साथ गरीब के कल्याण में सबसे सहायक भूमिका इसने निभाई है और उसी का परिणाम है कि आज आम आवाम के बीच में सबसे पॉपुलर योजना के रूप में और सबसे बड़ी बात गौरव जी इसमें लीकेज नहीं है नहीं तो बहुत सारी योजनाओं में जो लीकेज की समस्या है उसको भी प्रधानमंत्री जी ने ध्यान रखते उन सब चीजों से बाहर निकालेंगे इस बारे से से में हम डीबीटी के बारे में हम और भी विस्तार से बात करेंगे आपका कहना बिल्कुल सही है क्योंकि ये इस सरकार की एक बड़ी ही बड़ी महत्वपूर्ण बात यह रही कि लाभार्थी को जिस व्यक्ति को लाभ पहुंचना है उस अंतिम छोर पे पहुंचे व्यक्ति को सीधा उनके खाते में उनके सीधे उन तक लाभ पहुंचे इस बात की व्यवस्था की गई शायद और इसी डीबीटी के माध्यम से ही आपने जो जैसा क्या किया कि अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ पहुंचा जी जी तो अब जैसा कि हमने बात की कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना जिसके माध्यम से एक आम आवाम को खाने पीने की कि किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हुई इस बात की शुरुआत की गई मुकेश जी एक और योजना जिसके बारे में अगर हम ये कहें कि केंद्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में और बल्कि एक ऐसी योजना कहें कि पूरे दुनिया को जिसका अनुसरण करने की आवश्यकता है उसी योजना के बारे में चर्चा करना चाहेंगे और उसी योजना का नाम है आयुष्मान भारत योजना आयुष्मान भारत योजना साल 2018 में शुरू की गई थी ये हेल्थ इंश्योरेंस की एक ऐसी योजना है जिसमें सीधे तौर पर मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों को मदद मिल रही है इस योजना के तहत लोगों को गंभीर बीमारियों में 50 करोड़ भारतीयों को सालाना पांच लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है यह एक तरीके से मेडिक्लेम की तरह से जिसका लोग बड़ी संख्या में फायदा उठा रहे हैं इसका ऐलान केंद्रीय वित्त बजट 2018 में किया गया था और आइए इसके बारे में और जानकारी लेने से पहले इसके लाभार्थियों और इस योजना के बारे में एक वीडियो क्लिप जाने आयुष्मान भारत योजना के चार साल पूरा होने के अवसर पर सरकार एक लाख केंद्रों पर ई संजीवनी टेली परामर्श सुविधा शुरू करेगी पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में मजबूत परिणाम देकर भारत को सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी प्रकोपों के प्रबंधन मामले में दुनिया के सबसे उन्नत देशों में से एक बनाना है इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव के तहत एक सप्ताह तक चलने वाले समारोह का आयोजन करेगा इस कार्यक्रम को भी आज से शुरू होकर 22 अप्रैल को समाप्त होंगे स्वास्थ्य मंत्रालय स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों पर ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेलों का भी आयोजन करेगा मेलों का आयोजन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों डब्ल्यूसीडी पंचायती राज आयुष और शिक्षा जैसे प्रमुख मंत्रालयों के सहयोग से किया जाएगा ताकि लोग अपने स्वास्थ्य की जांच करा सकें और केंद्र सरकार की स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं के बारे में सही जानकारी पा सकें यही नहीं जो लोग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अपना कार्ड नहीं बनवा पाए हैं वो इस दौरान अपना कार्ड भी बनवा सकते हैं सरकार आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल नेटवर्क को मजबूत कर रही है वहीं देश भर में अब तक एक लाख सत्रह हजार से अधिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14 अप्रैल 2018 को सभी के लिए स्वास्थ्य प्रदान करने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई थी रहे थे आयुष्मान भारत योजना की इसके दो मुख्य रूप से जो घटक थे पहला तो देश में एक लाख हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स की स्थापना करना और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों ने बीपीएल को पांच लाख रुपए प्रतिवर्ष के स्वास्थ्य बीमा कवच से जोड़ना इस योजना के जरिए दस करोड़ से अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा डॉट की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 21 मार्च 2022 बाई तक बाईस तक इस योजना के जरिए तीन करोड़ ग्यारह लाख सत्ताईस हजार सात सौ पचास मरीज अस्पताल में भर्ती कराए जा चुके हैं और इस अवधि तक सत्रह करोड़ छियासी लाख सत्तानवे हजार से ज्यादा आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं एक दिन में यानी 20 मार्च का दिन एक ऐसा ऐतिहासिक दिन था जिस दिन उन्नीस हजार छह सौ अस्सी कार्ड जारी किए गए तो मुकेश ये बहुत महत्वपूर्ण तो योजना है हमने जैसा कि बात की कि 2020 का जो साल था यह न सिर्फ आपके और हमारे लिए हमारे देश भारत के लिए बल्कि यूं कहें कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भरा मुश्किल जरूर कहेंगे लेकिन मुश्किल के साथ में बहुत बड़ा चुनौती भरा समय था क्योंकि हमने कई शताब्दियों में आने वाली एक ऐसी महामारी को देखा जिसने हमारे जीवन में बहुत सारे प्रश्न खड़े कर दिए लेकिन इस महामारी यानी कि कोरोना से बचाव के लिए सबसे जो कारगर उपाय दुनिया ने पाया वो था टीकाकरण और यहां भी कहीं ना कहीं आकर के केंद्र सरकार के एक और फेदर इन क्राउन कह सकते हैं वो ये आ गया कि दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त टीकाकरण अभियान केंद्र सरकार की तरफ से चलाया गया उस टीकाकरण अभियान के बारे में क्या बताना चाहेंगे किस तरह से वो ड्राइव चला और किस तरह से उसकी सफलता आगे बढ़ी देखिए गौरव जी मैं उन आ, हम सब ने वो दौर देखा है कोरोना के उस महामारी के समय सारी जो परिस्थितियां बनी थी एक समय ऐसा था जब कोरोना आया और उस समय प्रधानमंत्री जी ने जब आह्वान करके कहीं जनता के बीच में पब्लिक को जोड़ने के लिए अब जो एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि कहीं एक मेंटली प्रेशर जो पब्लिक में आया था उसको बाहर करने के लिए के ताली बजाने का काम किया था थाली बजवाने का काम किया ऐसा ताकि जनता में एक उस भय के वातावरण से बाहर नहीं आया और उस दौर से चीजें शुरू होती है यानी हम मैं उस बात को कोई आलोचना कैसे भी करता होगा उसकी कि इससे क्या कोरोना भग जाएगा लेकिन वो वो दृश्य अपने आप में ऐसा था जब लोग एक दूसरे से मिलते नहीं थे कॉलोनी में कहीं दूर दूर तक व्यक्ति दिखता नहीं था बाहर छतों पे आकर के जब लोग मिले एक दूसरे को देखा हाय लो की तो उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल जो बढ़ा वो बढ़ाना प्रधानमंत्री जी चाहते थे इससे कोरोना ठीक नहीं होता है लेकिन सब जानते वो कॉन्फिडेंस अगर हाँ। किसी भी बीमारी से लड़ने, लड़ने के लिए कॉन्फिडेंस सबसे महत्वपूर्ण चीज है और उसी को प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाते हुए और हमने देखा है देश में वो कालखंड भी हम सब ने देखा है कि यहाँ छोटे से छोटा टीका आने में भी कितना समय लगा आज वो समय नहीं है जब इस समय चीजों की बात करें आलोचना के प्रति आलोचना आज वो समय नहीं है आज, आ, आज समय है कि हमने जो किया उसको बताने का समय है और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने उसी दिन से इस बात को सोचा कि क्यों न इस प्रकार की कोई वैक्सीनेशन भारत में डेवलप हो जिसके कारण से हम इस बीमारी से निजात पा सके और मुझे इस अवसर पर मैं देश के वैज्ञानिकों को उस सब कर्मशील टीम को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने देश में इसे देश को इस सब चीजों से बाहर निकालने के लिए वैक्सीन का निजात किया जी और प्रधानमंत्री जी ने खुद उसका दो तीन बार विजिट करके सारी चीजों को प्रत्यक्ष रूप से देख करके और ये टीका देश में लेके आए और इसका इसके सबसे साथ एक पहले... और महत्वपूर्ण बात यह भी हुई कि इससे कोरोना का जो टीकाकरण अभियान रहा उसमें भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो प्रसिद्धि बढ़ी जो एक सम्मान बढ़ा वो शायद इसलिए क्योंकि जिन देशों में वाकई में जरूरत है टीके की उसको भारत ने निर्यात करके उनको उपलब्ध करवा करके उसको निर्यात शब्द इस जगह उचित नहीं है क्योंकि वो व्यापार नहीं था इसको उनको उपलब्ध करवा करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का मान बढ़ाया नहीं नि निश्चित रूप से देखिए क्या है कि अगर आप के मन में सामाजिक संवेदनाएं हैं मानव के प्रति आपके प्रति दया का भाव है तो आप अपने लोगों के साथ साथ विश्व के सब लोगों का कल्याण करेंगे तो आप एक प्रकार से जो जरूरी चीजें हैं उस सारी चीजों में से आपकी ख्याति बढ़ती है जी। और ख्याति के साथ साथ में दूसरे देशों में अगर आपके प्रति कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो यहां भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता है और आप और हम सब ने वो सब चीजें देखी है कि शुरुआती दौर में किस प्रकार के बयानबाजी हुई किस प्रकार की चीजें हुई और फिर इतने लंबे समय तक मैं मैं समझता हूं आज लगभग 100 करोड़ लोगों के आसपास हम टीकाकरण में लगभग पहुंच गए शायद मैं जहां तक मुझे जानकारी तो चलिए हम इस टीकाकरण के बारे में जब ने हमने बात की तो आइए हम आम जनता की क्या प्रतिक्रिया रही इस टीकाकरण अभियान के प्रति आइए देखते हैं प्रधानमंत्री जी ने जो तीन किस्तों में छह दिए उससे छोटे किसानों को हम टीकाकरण के बारे में बात कर रहे थे और टीकाकरण के बाद में हमने बहुत से जो बात की कि देश के आम जन के स्वास्थ्य को मुहैया कराने में आयुष्मान भारत योजना टीकाकरण योजना के में बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया इसके अलावा एक और चीज़ अगर हम पहले एक बार हम चाहेंगे कि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई दो तीन बातों को आपसे एक साथ कर लें और उसके बाद में हम एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर आएंगे और वो है भारतीय योग चिकित्सा पद्धति जो जिसको हम आयुष कहते हैं आयुष को आगे बढ़ाने में भी केंद्र सरकार का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात कि आम जनता को जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराए जाने की दृष्टि से भी प्रधानमंत्री की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए गए उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे देखिए निश्चित रूप से जो भारत का आयुष है जी यानी अगर हम यूं बात करें तो भारत की ख्याति का जो सबसे बड़ा काम है वो आयुष मंत्रालय का है जी, जी। और आयुष के नाते से वो जो चीजें हमने की है देश में पहले के अगर समय को हम ध्यान रखें तो उन चीजों को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं आयुष मंत्रालय के तहत उसका बजट बढ़ाना उनके नाते से नए नए रिसर्च की बातें कराना नई चीजों को लॉन्चिंग करने का काम एक अवसर जो देने की बात होती है वो केवल आयुष में नहीं मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी ने अगर किसी ने भी उनके सामने कोई प्रोजेक्ट रखा और उस प्रोजेक्ट से जन सरोकार होता है कि देखिए साहब ऐसा करने से ये चीजें ठीक हो सकती है उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल आप करिए ये एक प्रकार से सरकार की ओर से जो छूट है काम करने की उसको लाल फीताशाही पे जिस प्रकार से रोक कर हटा करके उन्होंने काम करने का अवसर जो लोगों को दिया उसका परिणाम है कि हर क्षेत्र में प्रगति हम सबको दिख रही है और यही एक तरीका है काम को आगे बढ़ाने का जनता के बीच में विश्वास जीतने का आप कौन सी पेथी में जाना चाहते हैं वो जनता को तय करना और जनता जिस पेथी में जाना चाहती है आज मैं समझता समझ उसको प्रेशर देने का काम कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने हम टीकाकरण अभियान के बारे में बात कर रहे थे तो टीकाकरण के बारे में आम जन की क्या राय है आइए जानते हैं देश में कोरोना की तीसरी लहर लगातार धीमी पड़ती जा रही है तो वहीं टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है जिसके चलते देश में संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ गई है कोविड महामारी के के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक एक करोड़ उन्तीस लाख से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है वहीं पिछले चौबीस घंटों में छियालीस लाख बयासी हजार से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए टीकाकरण अभियान देश में लोगों हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार के आठ वर्ष पूरे होने के इस विशेष कार्यक्रम के बारे में और अब हम आपसे जिस विशेष चीज के बारे में चर्चा करना चाहेंगे वो अगर हम ये कहें कि भारतीय संस्कृति भारत की अर्थव्यवस्था हमारे भारत की आत्मा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है मुकेश जी हम और आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि भारत गाँव में बसता है और किसान भारत की आत्मा है किसान इस देश में किसान को हमेशा से अन्नदाता कहा गया है यानी कि हम जो कुछ भी अन्न ले रहे हैं अन्न खा करके अपना जीवन जी रहे हैं कहीं ना कहीं इसके पीछे किसान का खून पसीना महत्व उसमें छुपी हुई है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यह वो महत्वपूर्ण योजना है जिसमें जैसा कि नाम से स्पष्ट है किसान सम्मान और निधि यानी कि किसानों के सम्मान की निधि के रूप में ये योजना विशेष रूप से लागू की गई और इसमें हमेशा से ही किसान देश के जो आधार रहे थे उस आधार को आगे बढ़ाने के लिए उसकी समृद्धि के लिए काम किया गया और इसी को लेकर के एक खुशहाल भारत के, के लिए मजबूत किसान हमेशा से हमारे देश का आधार रहे हैं और एन सरकार इनोवेशन और कुछ ठोस उपायों के जरिए देश के इस आधार को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है छोटे किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह योजना बहुत मददगार साबित हुई इस योजना का लाभ उन किसानों को हुआ जिनके पास दो हेक्टेयर से कम की जमीन है इस योजना के तहत सरकार किसान परिवारों को हर साल छह हजार रुपए दे रही है जो चार महीने से दो दो हजार रुपए की किस्त के रूप में दिए जा रहे हैं सरकार की ओर से सीधे किसान के खाते में पैसे पहुंचाए जा रहे हैं इससे किसानों को आर्थिक मदद मिली 2019 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का ऐलान किया था इस पीएम किसान योजना भारत सरकार से 100 फीसदी वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है 2018 में एक दिसंबर से इसकी शुरुआत हुई थी और इस योजना के तहत सभी किसान परिवारों को सहायता पहुंचाई गई आइए एक आम जन से इस बारे में जानकारी लें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किस तरह से एक आम जन के लिए राहत भरी योजना साबित हुई प्रधानमंत्री जी ने जो तीन किस्तों में छः हज़ार रुपये दिए उससे छोटे किसानों को इतना फ़ायदा हुआ उनको टाइम पे उराई, बुआई जुताई बीज भाड़े के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा अगर प्रधानमंत्री जी छोटे किसानों को ज़्यादा फ़ायदा देना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा पैसे बढ़ाने की मैं अपनी गुहार करता हूँ प्रधानमंत्री जी से जिससे छोटे किसानों को और राहत मिले प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तीन साल पूरे होने पर मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ये लघु काश्तकार के लिए बहुत अच्छा अच्छी योजना है इसमें खाद बीज के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती है सम... तो हम बातचीत कर रहे थे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में बात करने से पहले हम ये जाने कि किस तरह से मुकेश जी ये योजना जो है वो आम जन के लिए खासतौर पर किसानों के लिए एक लाभप्रद योजना साबित हुई देखिए गौरव जी मैं आपको बताना चाहूँगा जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी उसके बाद से उनके मन में था कि किसानों की आमदनी दुगनी करनी जी यानी 2024 तक का इसका लक्ष्य रखा गया था कि 2024 तक किसानों की आय को दोगुना करने का एक लक्ष्य रखा गया जी बिल्कुल और उसी को आधार स्तंभ मान करके देखिए देश की राजनीति में दो तीन चीजें वर्षों से चली है जी और जिसमें सबसे पहला काम जो मुझे ध्यान में आता होता है कि देश में नारा लगा गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ फिर किसानों के लिए कुछ करो किसानों लिए वर्षों से सुन रहे हैं लेकिन किया किसी ने नहीं अगर देश में किसानों के प्रति अगर सबसे पहले मैं मैं किसी पार्टी के नाते से नहीं करा लेकिन मैं कहूंगा कि देश में किसानों के प्रति अगर सबसे पहले किया तो किसान क्रेडिट कार्ड अगर देने का काम किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी और वो एक ऐसा दौर था देश में जब किसान उस क्रेडिट कार्ड के आधार पे आपको हमको सबको बताया सेठ साहूकारों से लोन लेता था

ये अपने आप में एक उसके सम्मान को बढ़ाने वाला काम है। जी। और उसका परिणाम है कि आज देश के किसान का विश्वास मोदी जी के साथ बढ़ा है और इस जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि हर क्षेत्र में उन्होंने योजना को कैसे नीचे तक इंप्लीमेंट करना और उस नाते से पहली बार कृषि क्षेत्र में बजट जो है उसका अगर आप पुराने उस बजट से आकलन करेंगे तो चार गुना बजट बढ़ा है जी। और हर फील्ड में आप अगर यू ऑर्गेनिक खेती में जाना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक खेती के लिए आपकी फील्ड है आप जिस जिस में भी आगे बढ़ना चाहते उसकी तैयारी के लिए सारी चीजें उन्होंने की चाहे आपके दूरदर्शन के माध्यम से हो चाहे वैज्ञानिकों के माध्यम से हो कैसे किसान की आमदनी दुगनी हो जी उसके नाते से जितने प्रयास इस सरकार के नाते हुए हैं और वो अपने आप में महत्वपूर्ण और ये उस कड़ी में एक पार्ट बन गया किसान सम्मान निधि जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं कर और आज लोग इस बात को कहते हैं और मैं समझता हूँ कि ये सीधा सीधा किसान कार मोदी जी का जो जुड़ाव है उसका काम इस किसान सम्मान निधि ने किया है और इसी के परिणाम स्वरूप आज अब जब मैं भी ऐसे बहुत सारे सैकड़ों लोगों को जानता हूँ जिस जिन्होंने पिछले चार साल में हंड्रेड परसेंट जो लोग जिनकी आजीविका का सोर्स किसानी है खेती के आधार पर है या पशुपालन के आधार पर उन लोगों ने अपनी आमदनी को दुगना किया है करके दिखाया है इसलिए केवल योजनाओं को लॉन्च करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया उनको एक इम्प्लीमेंट करने तक का काम किया और उसको नीचे तक स्थापित करने का काम किया और मैं समझता हूँ ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम है योजनाएं लॉन्च करना योजना इंप्लीमेंट कराना और उसका रिजल्ट देना ये जो सारा एक प्लानिंग और प्लानिंग को इम्प्लीमेंट और इम्प्लीमेंट से जो चीजें निकल के आती वहां तक करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया और ये अभूतपूर्व सोच है एक प्रकार से जी, जी। देश में सत्तर साल में किसी ने इस बात को सोचा नहीं कि ऐसे किसानों की डायरेक्ट मदद करके हम उनके साथ जुड़ सकते हैं और वो भी हर उस खाताधारी के साथ जिसके जो योजना में आपने दो एकड़ से कम जमीन बताई उन सब लोगों के साथ जुड़ना उनको उस चीज का फायदा मिलना और उनको नई नई टेक्नोलॉजी के साथ आज ये जो एक प्रकार से डाटा बैंक बना है। इस डाटा बैंक के आधार पे उस किसान के साथ डायरेक्ट बात हो रही है उसको चीज समझाने में मदद हो रही है उसको चीज समझने में मदद हो रही है तो ये ये एक भयवायी काम जिसको कह सकते ना एक ही काम से चार काम करने का जो प्रधानमंत्री जी की सोच है जो एक प्रकार से आ, उनको अलग करती हर चीज से वो मैं समझता हूँ कि अभूतपूर्व काम ये हुआ और उसी का परिणाम है कि आज सारी चीजें होने के बाद भी किसान मजबूती के साथ प्रधानमंत्री जी के साथ जुटा है और आप और हम सब ने देखा है कि किसान को विद्रोही बनाने के लिए कैसे कैसे प्रयास हुए सब आप हम सब हम ने देखा लेकिन उसके बाद भी कुछ एक स्टेट को अगर छोड़ दीजिए उसके कोई कारण अलग हो सकते हैं लेकिन आम किसान मोदी जी के साथ जुड़ा है मोदी जी की योजनाओं के प्रति उन्होंने जो एग्रीकल्चर के नाते से जो काम किया उसको करते हुए आगे बढ़ने का काम संकल्प के साथ किसान प्रगति पे ये आप और और हम हम सब देख रहे हैं जी उम्मीद करते हैं कि भारत का जो अन्नदाता वर्ग है वो उसकी समृद्धि दिन दुनी रात चौनी बढ़ेगी ये जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण संकल्प है कि किसानों की आय जो आज है उससे दुगनी की जाए इससे बढ़िया संकल्प कुछ हो ही नहीं सकता और हम आशा कर सकते हैं कि आने आगे आने वाला समय भारत के किसानों के लिए बहुत ही समृद्धि भरा बहुत ही संपन्नता भरा होगा बात खेत गवाड़ी की चली है तो हम चलिए थोड़ा सा गांव में थोड़ा सा आगे बढ़ करके हम घर घरेलू कुछ बात भी करें हमारी गृहलक्ष्मी की बात करें बहुत महत्वपूर्ण योजना जो केंद्र की सरकार की तरफ से रही वो रही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना उज्ज्वला जैसा के नाम से स्पष्ट की कि किसी चीज को उज्ज्वल करने के लिए एक दृष्टि से थी मोदी सरकार की बेहद चर्चित योजनाओं में से ये योजना रही थी महिलाओं के लिए शुरू की गई कई योजनाओं में से एक जिसमें बड़ी संख्या में गरीब परिवारों को फ्री में गैस कनेक्शन बांटे गए अब उन घरों तक इस योजना के जरिए सिलेंडर पहुंचा है 2016 में एक मई को इसकी शुरुआत हुई थी और लॉन्चिंग वर्ष में ही डेढ़ करोड़ कनेक्शन देने का लक्ष्य था लेकिन दो दशमलव दो करोड़ लोगों ने यह कनेक्शन लिए योजना के तहत मार्च दो तक वंचित परिवारों को आठ करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य रखा गया था जिसे सात सितंबर दो को ही हासिल कर लिया गया 2016 से चल रही इस योजना का बहुत बड़ी संख्या में हमारे घर की महिलाओं को फायदा मिला है यह फायदा किस रूप में मिला है आइए जानते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों की महिला मुखिया के नाम निशुल्क गैस के कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं इस योजना से देश भर में लोगों को लाभ मिल रहा है लाभार्थी महिलाओं का कहना है कि पहले उन्हें लकड़ियां जलाकर खाना बनाना पड़ता था जिसके कारण निकलने वाले धुएं से स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता था लेकिन उज्ज्वला योजना से मिले निःशुल्क गैस कनेक्शन के बाद घर में खाना पकाने का काम का बेहद आसान हो गया है अब जहाँ एक तरफ धुएं से मुक्ति मिली है वहीं चंद मिनटों में गैस के चूल्हे पर घर का खाना पककर तैयार हो जाता है हाल ही में केंद्र सरकार ने बढ़ती महंगाई को देखते हुए इस योजना के पात्र परिवारों को गैस के सिलेंडर पर दो सौ की सब्सिडी देने का ऐलान किया है इसमें करीब 9 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे बढ़ती महंगाई में राहत प्रदान करने के लिए लाभार्थी केंद्र सरकार का आभार जता रहे हैं योजना तो से हमें बहुत ही लाभ हुआ है पहले बहुत हर काम में बहुत परेशानी होती थी लकड़ियों पे खाना पकाना पड़ता था अब जब से ये योजना हमें मिली है और महिलाओं को जो सम्मान मिला है इससे हमें बहुत खुशी है और मेरे जैसी कई महिलाओं को कई हज़ारों परिवार को इसकी सुविधा का लाभ मिला है उससे हम सब परिवार बहुत खुश हैं और जो परेशानी आती थी कि बारिश के अंदर लकड़ियों पर खाना पकाना रहता था परेशान होते थे अब उससे हमें छुटकारा मिल चुका है और केंद्रीय सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी ये, ये योजना बनाई ਪਹਿਲਮ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਤੇ ਤੇ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਤਕਲੀਫ ਮਹ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਰਬੇ ਨੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ और इसलिए ना जी बहुत बहुत धन्यवाद फटाफट से खाना बन जाता है बच्चे स्कूल जाते हैं उनका टिफिन भी जल्दी से बन जाता है बच्चों का और घर घर वालों को भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है ये योजना के लिए केंद्र सरकार धन्यवाद करते हैं मेरा नाम संतोष है मैं ब्यास कॉलोनी में रहती हूँ पहले हम लोग चूल्हे पर रोटी बनाते थे तब हमें बहुत परेशानी होती थी बच्चे भी लेट हो जाते थे स्कूल के लिए हमारे हस्बैंड भी काम पर नहीं जा पाते और लेट हो जाते थे बरसात में भी दिक्कत होती थी अब जब से उजला योजना में सिलेंडर मिला है तब से हर काम आसान हो गया है हम इसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मतलब मेरे हस्बैंड वगैरह की रोटी बनाते थे मेहमान आते हैं उनको भी लिए परेशान होते थे बारिश में खाना बनाते थे अब ये गैस मिले बाद में हमको बहुत अच्छा लगा है हम बहुत जल्दी खाना बन जाता है खूज गैस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमको इस सुविधा से बहुत लाभ हुआ है जैसे हम कहीं भी जाए तो जल्दी से खाना बना के ले जा सकते हैं आकर खा भी सकते हैं जल्दी से चूल्हे में क्या है लकड़ियाँ जैसे जड़ाते हैं उसमें दुआ होती है और फिर ऑक्सीजन में दिक्कत आती है सांस लेने में परेशानी होती है इसके लिए हम इस केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं और केंद्र सरकार की जो उज्ज्वला योजना की स्कीम है उसके तहत आ, हम फ्री कनेक्शन दे रहे हैं उसमें डॉक्यूमेंट होते हैं कि जो बेनिफिशियरी है उसका राशन कार्ड चाहिए हमको और राशन कार्ड में जो भी अबाउ एटीन मेंबर्स हैं उन सब के आधार कार्ड लगते हैं वो आधार कार्ड मैंडेट्री होते हैं देने राशन कार्ड मैंडेट्री होता है देना उसके तहत हम उनको कनेक्शन रिलीज करते हैं महिलाओं को सिर्फ जिसमें आ, हम कोई भी पैसा चार्ज नहीं करते हैं जिसके तहत कस्टमर को 12 सिलेंडर साल के मिलते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रदेश के जरूरतमंद परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है इस योजना के माध्यम से जहां एक तरफ धुएं से मुक्ति ग्रहणियों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद साबित हो रही है वहीं ये योजना प्रदूषण नियंत्रण में भी मददगार साबित हो रही है तो हमने जाना इस उज्ज्वला योजना के से किस तरह से लाभार्थी खुश हैं और इस योजना का लाभ लेकर के अपने आप को बहुत ही सबल महसूस कर रहे हैं और अब हम मुकेश जी बात करना चाहेंगे केंद्र सरकार की के एक बहुत अभिनव योजना जिसका कि हम ये कहें कि इस देश को शायद सबसे बड़ी आवश्यकता है और वो है स्वच्छ भारत की दिशा में की गई पहल यानी कि एक स्वच्छ भारत अभियान की जो शुरुआत की गई थी दो में इस समय इस मौके पर हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक वाक्य को हम कोट करना चाहेंगे 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर भारत उन्हें स्वच्छ भारत के रूप में सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि दे सकता है और इसी बात को सामने रखते हुए इसी बात को एक मूल रूप में संकल्प रूप में रखते हुए प्रधानमंत्री ने एक स्वच्छ भारत की दिशा में एक कदम लिया 2 अक्टूबर 2014 को जो शुरुआत की गई देश भर में एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में इस स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी क्या बताना चाहेंगे इस स्वच्छ भारत मिशन के बारे में देखिए गौरव जी मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा कि पहले हमने उज्ज्वला गैस कनेक्शन के बारे में जो आपने कहा मुझे मुझे ध्यान में आता कि एक प्रकार से गैस कनेक्शन घर पे होना ये स्टैटिक स्टैटिक यू कहना चाहिए सिंबल के रूप में काउंट होता था कि भाई अच्छा आपके यहाँ गैस कनेक्शन है तो लोग बड़ा आश्चर्य से देखते थे और एम पी लाइन लगती थी कि सर सिफारिश, सिफारिश के लिए, लिए। मुझे गैस उनके कोटे के लिए। में लेने के लिए है ना जी उस चीज से आगे बढ़ा करके प्रधानमंत्री जी आम आवाम तक जिस चीज को पहुंचा दिया उस गरीब के घर तक पहुंचा दिया जो कल्पना नहीं कर सकता था कि मेरे घर पे भी गैस हो सकती है और उससे करोड़ों महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति जो उनकी चिंता थी क्योंकि उन्होंने वो सब चीज़ अपने से देखी है और अपने से देख करके जो आदमी महसूस करता है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करता है और यही बात मैं इस संदर्भ में आपने जो अभी स्वच्छ भारत मिशन की बात की ये मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी का सोचना है कि एक प्रकार से उन्होंने कुछ चीज़ों को सामाजिक सरोकार के रूप में जोड़ना चाहिए जैसे ये स्वच्छ भारत मिशन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो उन्होंने एक प्रकार से हरियाणा के में लॉन्च करके कहा कि कुछ चीजें हम जन सहभागिता के आधार पर कर सकते हैं अगर किसी चीज में जन सहभागिता नहीं हुई तो हम उसको कितना भी करते रहे और मैं मैं इस बात को इस नाते से देखता हूँ मेरी बेटी तीन साल की है गाड़ी में मेरे साथ होती है कहीं कोई गलती से भी उसको कचरा डालते हुए मिल जाता तो वो तीन साल की बहुत कुछ समझती नहीं है लेकिन वो ही बोलती हैं कि पापा ये, जी किया, ये, मैं तो ये जो आ, आने वाली पीढ़ी है उसके लिए एक बहुत उसके बड़ी लिए पर... अपने आप में सिम्बोलिक और आज हम देख रहे हैं इन सब चीजों को कि चाहे स्कूल हो छोटे स्थान हो कस्बे हो उनमें निश्चित रूप से स्वच्छ भारत मिशन के कारण से बहुत व्यापक चेंज आया और स्वच्छता निश्चित रूप से स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है स्वच्छता और स्वास्थ्य दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं इसलिए प्रधानमंत्री जी ने हर उस बिंदु पे काम किया जो देश को स्वस्थ रखने में कामयाब बना सके उसके लिए उन्होंने काम किया जी एक जानते हैं किस तरह से स्वच्छ भारत मिशन जो है वो एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में सामने आया देश में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत दो अक्टूबर दो को की गई थी इस अभियान का उद्देश्य देश में खुले से शौच मुक्त और स्वच्छ और साफ रखने का लक्ष्य रखा गया इस अभियान के बाद देश में खुले में शौच मुक्ति के साथ देश पर में साफ सफाई को लेकर सरकार के साथ लोगों में भी अब जागरूकता आई है राजधानी जयपुर की बात की जाए तो प्रधानमंत्री की स्वच्छता मुहिम में आमजन के साथ कई संगठन और संस्थाएं भी लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूकता करने के लिए काम कर रही है लोगों का कहना है कि स्वच्छ भारत अभियान का देश में असर भी दिखने लगा है जहां पहले जगह जगह कचरा और गंदगी रहती थी वहीं अब साफ सफाई देखने को मिल रही है सार्वजनिक स्थानों पर भी सरकार के साथ अब लोग भी स्वच्छता की मुहिम में सहयोग दे रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है सफाई अभियान को लेकर जो चलाया है उन्होंने अभियान उसको लेकर मैंने देखा है कि हाँ पहले जो लोग बाग थे वो यहाँ पर आ, कहीं भी कचरा डाल दिया करते थे मतलब डस्टबिन का यूज़ नहीं किया करते थे उसी तरीके से लेकिन यहाँ पर आज मैंने देखा है कि आ, मतलब लोग जो रैपर्स होते हैं मैंने ट्रेन में भी देखा है यहाँ पर भी रेपर्स को अपने बैग में डालते हैं आफ्टर दैट वो डस्टबिन में, में उनको डाल देते हैं मेरा नाम अभिषेक कुमार है मैं बिहार पटना से हूँ मैंने यहाँ राजस्थान में आया हूँ और यहाँ पर खाटू श्याम जी गया था यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है स्वच्छता के मामले में बहुत अच्छा है शहर में हर जगह सफाई भी है साफ सफराई भी है और जहाँ पे कचरा रहते हैं तो लोग मैं देखा कि कचरे को डस्टबिन में डालते हैं और पहले जब मैं जयपुर आई थी तो तब मुझे इतनी क्लिनलीनेस नहीं पता चल रही थी बट अब अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गई है जगह जगह डस्टबिन हैं एंड लोग अपने अपने जो भी स्टफ्स हैं वो डस्टबिन में डाल रहे हैं तो सिटी काफ़ी क्लीन लग रही है और मुझे लगता है कि ऐसे अगर लोग ध्यान रखेंगे तो काफी रहेगी प्रधानमंत्री जी द्वारा दुण जो स्वच्छ भारत अभियान का मुहिम चलाई जा रही है उसमें जयपुर सिटी में हमारी एन रक्षा के नाम से और हम भी इस मुहिम का एक हिस्सा है और जयपुर के काफ़ी जो यूथ है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हम एक नेचर कंजर्वेशन पे काम करते हुए हमारी एनजीओ फॉरेस्ट एरिया में जितना भी प्लास्टिक रिमूवल का या अवेयरनेस ट्रैकिंग के अलावा वहाँ जो भी हमारे को कचरा मिलता है हम उनको इकट्ठा करके और वापस लेके आते हैं स्वच्छता अभियान को लेकर थोड़ा अवेयर हो गए हैं पहले से ज़्यादा हाँ पहले भी स्वच्छता अभियान के लेकर लोग अवेयर थे अब जैसे सड़कों पर लोगभ कम कचरा फेंकने लगे और जैसे सरकार की तरफ से भी ये हुआ है कि हमेशा मतलब हर जगह पर कचरा का बॉक्स रखा है कि जहां हम कचरा डाल सकते हैं ऐसी बहुत सारी अवेयरनेस सरकारों ने भी लगाई है कि जनता को अवेयर करें और जनता भी अवेयर हो रही है कि वो कचरा हर जगह नहीं डालती अब प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान देश के लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता प्रदान कर स्वच्छ भारत के सपने को साकार कर रहा है तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से स्वच्छ भारत अभियान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ और इससे अब से कुछ ही देर में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन होगा आज के इस विशेष आयोजन के अवसर पर हम सीधे उस शिमला के रिज मैदान की तरफ चलेंगे लेकिन उससे पहले एक और महत्वपूर्ण मैं, मैं जी, 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 एक चीज एक जोड़ना चाहूंगा कि जो आपने स्वच्छ भारत मिशन के लिए कहा जी तो मुझे एक वाक्य ध्यान में आते मेरे मित्र ने मुझे बताया कि बोले यार तुम्हारे इस स्वच्छ मिस्तर अभियान ने हमारे घर में झगड़ा करा दिया मैंने बोले अच्छा? मेरी माँ कई बार मेरी बहू को कह देती तेरे तेरे घर से अच्छा तो रेलवे स्टेशन ही आजकल साथ है तो यह ये, ये एक प्रकार से इस अभियान की सफलता मैं मानता हूँ कि अगर जी, कहीं इस प्रकार की चर्चा अगर है वो वो निश्चित रूप से इस बात को संकेत करती है कि कैसे एक व्यापक परिवर्तन इस अभियान के तहत आए हैं ये देखने को मिलता है जी और हम प्रधानमंत्री के लाइव इस संबोधन की तरफ चलें उससे पहले एक दो बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं जिनके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे वो है एक आम सशक्तिकरण की अगर बात कहें तो एक बहुत महत्वपूर्ण योजना सामने आई जन धन योजना इस जन धन योजना में आज़ादी के सड़सठ साल के बाद भी ऐसा महसूस किया जा रहा था कि भारत में बड़ी संख्या में ऐसी आबादी थी जिन्हें बैंकिंग सेवाएं हासिल नहीं की थी और उन लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने के लिए और इस दृष्टि से भी कि उनके जो बेनिफिट्स हैं सीधे उनके बैंक में ट्रांसफर हो इस दृष्टि से जनधन योजना की शुरुआत की गई मुकेश जी क्या बताना चाहेंगे क्या है जनधन योजना और किस तरह से एक आम जन को सशक्तिकरण देने में इस योजना में ने अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया देखिए गौरव जी जिस दिन ये योजना लॉन्च हुई थी जिस दिन बैंक में खाते है प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भी मैं भारत के सौ करोड़ लोगों का गारंटर हूं आप बैंक में जाइए मैं आपका खाता जीरो बैलेंस पे खुलवाता हूं जी जी वो वो दिन था जब लोग उसकी मजाक बनाते थे कि क्या होगा इन खातों से उसमें बैलेंस कहाँ से आएगा उसमें कौन बैलेंस डालेगा कैसे होगा क्या होगा पचास तरह की और कितनी बैंक की फॉर्मेलिटीज रहती थी आप और हम सब ने देखी कोई गरीब आदमी सोच नहीं सकता था कि बैंक के दरवाजे पे जाके दो गारंटर लाओ ये लाओ वो लाओ और वो भग जाता था आज प्रधानमंत्री जी ने इस जनधन खाते के कारण से जो एक व्यापक सुधार आया और मैं समझता हूँ कि जो जिस चीज की चर्चा हम कर रहे हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम अगर सक्सेस है जी तो उसमें इस जनधन खातों का सबसे बड़ा योगदान है जी अगर ये खाते नहीं होते तो वो योजना किसके पास जाती आप ट्रांसफर करने का कोई सिस्टम नहीं होता वही सिस्टम होता इसलिए मैंने मैंने कहा ना शुरू से जिस व्यक्ति ने सारी चीजों को बारीकी से समझा हो वो समझता है कि हमको आगे इसमें कैसे इम्प्लीमेंट करना है और उसी के कारण से आज जनधन खाता जब खुले और उसकी एक पूरा व्यापक नीचे तक गया और उसका परिणाम आज कि सारे की सारी स्कीम का ट्रांसफर जो है छोटे से छोटे काम का ट्रांसफर सीधा आपके खाते में आ रहा है और सीधा व्यक्ति को लाभ मिल रहा है उसलिए वो जो एक समय देश के एक प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मैं एक रुपए दिल्ली से भेजता हूं तो पंद्रह पैसे पहुंचते हैं उस, उस लीकेज को खत्म करने का काम इस कामधन खातों ने किया बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश दाधी जी आज के इस हमारे इस कार्यक्रम में हमने बहुत सारी चर्चा की आ, केंद्र सरकार की इस महत्वपूर्ण योजनाओं के जिन्होंने जन को सशक्त बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान लगाया अब से कुछ ही देर बाद हम शिमला के रिज मैदान की ओर रुख करेंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा संबोधन देंगे और केंद्र सरकार के इस आठ वर्ष पूरे होने के अवसर पर संबोधित करेंगे हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं